हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबीजी वीडियोस। मैं वंदना, आप सब कैसे हैं? आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो है आलू का पराठा। क्रंची क्रंची, सॉफ्ट सॉफ्ट आलू का पराठा, इजी एंड वेरी डिलीशियस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आलू का पराठा। सबसे पहले हम आटा करेंगे। आटा के लिए हमने यहाँ पे 2 कप व्हीट फ्लावर लिया है, गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए, नमक आप अपने स्वाद से ले लीजिएगा। अब हम जो है पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आटा डो बनाएंगे। इकट्ठा मत डालिएगा, कभी कभी इकट्ठा डालने से एकदम सॉफ्ट हो जाता है डो। हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट और एकदम हार्ड के बीच का आटा करना है। अगर आप प्रॉपर आटा करेंगे, डो बनाएंगे, तो आपके जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं। देखिए इस तरीके से आप डो बनाइए। आलू के पराठे का टेस्ट थोड़ा इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून मक्के का आटा डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अच्छा लगेगा यदि आप इसे डालेंगे। 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, इससे आटा बहुत अच्छा होगा एंड फ्लफी फ्लफी पराठे बनेंगे। अब ये सब को मिला के आप मिक्स कीजिए एंड प्रॉपर डो बनाइए। सो प्रॉपर डो हो चुका है, अब हम स्टफिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सो गाइज, स्टफिंग के लिए हमने 1 मीडियम ऑनियन लिया, फाइन चॉप किया, चिली ली 2 एंड जिंजर लिया 1/2 इंच एंड धनिया लिया है। हमने सभी को फाइन चॉप कर लिया है, जिससे कि जब हम आलू के साथ इनको बाइंड करेंगे तो ये अच्छे से प्रॉपरली बाइंड होंगे। सो आलू के पराठे के लिए हमने यहाँ पे 4 बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए हैं। इनको अच्छे से स्मैश कीजिए, हैंड से कर लीजिएगा, बड़े बड़े चंक्स ना रहे। देखिए इस तरीके से स्मैश कीजिएगा। और अब जो हमने वेजिटेबल्स चॉप की थी, अनियन, चिली, जिंजर, धनिया, सब 1 बाय 1 करके डाल दे जाएंगे। वन टेबल स्पून सॉल्ट डाल दीजिए, टेस्ट से ले लीजिएगा। एंड रेड चिली पाउडर यहाँ पे हमने 1/4 टेबल स्पून ली है, ये भी टेस्ट से लीजिएगा। ये चाट मसाला है 1/2 टेबल स्पून एंड आमचूर पाउडर स्मॉल 1/2 टेबल स्पून। ये है थोड़ी सी अजवाइन है, ये स्मॉल 1/4 टेबल स्पून है। ये है मैगी मसाला स्मॉल 1 टेबल स्पून है। सबको प्रॉपर मिक्स कीजिए। गाइज, हमें चटपटा आलू का पराठा बनाना है, इसीलिए हमने स्पाइसेस ज़्यादा डाले हैं। आप अपने हिसाब से ऐड लेस कर लीजिएगा, पर ऐसा बनाएंगे तो बहुत टेम्प्टिंग लगेगा। स्टफिंग रेडी हो गई, डो रेडी है, अब हम डो को चेक करेंगे। ऐसा परफेक्ट आटा होना चाहिए गाइज, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, बॉल्स बनाएंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितने बड़े आपको मोटे चाहिए पराठे, पतले चाहिए, उस हिसाब से आप बनाइएगा बॉल्स। सो यहाँ मैं आपको 2 टाइप के स्टफिंग की जो फिलिंग है वो करना बताऊँगी। एक डिफरेंट टाइप का है, एक अदर मेथड का है, तो आपको जो भी ईजी लगे आप उस हिसाब से बनाइएगा। सो इस तरीके से रोल करिए एंड मैं आपको जो पहला तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से हाथ से ही इसको रोल कीजिए एंड कटोरी बनाइए एंड फिर थोड़ा ऑयल लगाइए। इससे क्या होगा, अंदर फिलिंग क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी एंड सॉफ्ट पराठे बनेंगे। इस तरीके से आप स्टफिंग की बॉल बनाइए एंड दबा दीजिए थोड़ा सा एंड फिर इस तरीके से आप आटे को क्लोज़ कीजिए। क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है, यदि थोड़ा सा भी इसका मुंह खुला रह गया तो ये फटने के बहुत चांसेस रहेंगे। आप इस तरीके से ही बनाइएगा, देखते जाइए। इस तरीके का फिलिंग करने के बाद अब हम इसे बेलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप आटा स्प्रिंकल कीजिए ताकि ये चिपकेगा नहीं एंड इस तरीके से इक्वल साइड बाय साइड
एकदम हल्के हाथ से, ज्यादा प्रेशर मत लगाइएगा, मिलते जाइए। सो वन टाइप के फिलिंग का पराठा रेडी है। अब हम बनाएंगे दूसरे टाइप का फिलिंग पराठा। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रोल करेंगे। देखिए ये साइज होने के बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। आपको ऑयल डालना है तो डाल सकते हैं बीच में, और जैसे हमने लास्ट टाइम उसको बंद किया था वैसे ही बंद करके इस तरीके से हाथ से दबा दबा के थोड़ा साइज इसका बड़ा करेंगे एंड देन इक्वली रोल करते जाएंगे हल्के प्रेशर से, ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा। दो डिफरेंट फिलिंग के पराठे रेडी हैं। अब हम इनको सेकेंगे। यहाँ मीडियम फ्लेम में हमने पैन रखा, पैन गरम होने के बाद हम इसमें पराठा डाल रहे हैं। पराठा आप एक मिनट इसमें ऐसे ही सेकने दीजिए, फिर हम उसको टर्न अपसाइड डाउन करेंगे। देखिए एक मिनट हो गए हैं, एक मिनट के बाद इसको आप पलट दीजिए, इस तरीके का हल्का सिका हुआ टेक्स्चर आएगा। स्प्रेड कर दीजिए, ऑयल घी जो भी लगाना चाहे लगाइए, अच्छे से लगाइएगा। इस तरीके से स्प्रेड कीजिए एंड देन फिर पलट दीजिए। देखिए जब तक हमने सेका तब तक नीचे में भी टेक्सचर आ गया हल्का हल्का सिका होने का। इधर पे भी आप घी लगाइए, ऑयल लगाइए एंड इसी तरीके से आप फ्लिप करके हल्का हल्का दबाइएगा, ज़्यादा जोर से प्रेशर मत दीजिएगा एंड पराठा जल्दी से सिक जाएगा। रेडी हो गया है ये पराठा। देखिए इसी तरीके से और पराठे सेकते जाइए। टू टाइप फिलिंग पराठे रेडी हो गए हैं। देखिए बहुत अच्छा टेक्सचर आया है एंड सुपर सॉफ्ट बने हैं, थोड़ा थोड़ा क्रंची टेक्सचर भी है। आपको और क्रंची चाहिए रहेगा तो आप थोड़ी देर और सेकिएगा, बट मेक श्योर जले ना पराठे। सो एंजॉय कीजिए गरम गरम पराठे दही के साथ, दही के साथ या अचार के साथ, जिसके भी साथ खाना हो। बटर डाल दीजिए और मस्त लगेगा, थोड़े थोड़े बटर देखिए कैसे पिघल के नीचे आ गए, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टैम्पटिंग दिख रहा है। अब हम इसे तोड़ के देखते हैं। देखिए कितने आसानी से टूटा, सुपर सॉफ्ट, बहुत अच्छा। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि ये रेसिपी पसंद आए। आपसे मैं अगले वीडियो पर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।